ओके, यू कैन शेयर दिस स्क्रीन. नजर आ रही है स्क्रीन? नजर आ रही है? यस सर. यस सर. यस सर. चलो लेट अस स्टार्ट. ओके, हम पढ़ रहे थे फ्रिक्शन. ओके, वी आर स्टडिंग द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन में हमने देखा अभी तक जो देखा, दैट इज सिंपल चीज है. फ्रिक्शन फोर्स होती है जो मूवमेंट को अपोज करती है. ओके, दैट इज ड्यू टू घर्षण बल कहते हैं हिंदी में उसे. ओके, दो सरफेस के बीच में होता है घर्षण बल. ओके, अगर आपने हिंदी में पढ़ा हो तो. जब भी हम इस बॉडी को मूव करेंगे, पी लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस फोर्स यहाँ डेवलप होगी. ओके, एफ. ओके, इसका बॉडी का वेट डब्ल्यू होगा. ओके, डब्ल्यू से एक रिएक्शन पैदा होगा नीचे आर. ओके, ये जो एफ होगी दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. ओके, एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर. म्यू होगा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर पाई है देन म्यू इक्वल टू 10 पाई. अगर क्वेश्चन में पाई दिया है तो 10 पाई इज द म्यू. ओके, तो ये देखा आपने कि अभी तक हम इतना पढ़ चुके, छोटी सी चीज. तो इसमें हमने सवाल भी निकाले थे, अगर आपको भी याद हो, पिछली बार दो सवाल निकाले थे. इसमें एक बार हमने फोर्स को ऐसे थीटा पे भी दे दिया था. ओके, तो उस वजह से एक रिजल्ट, बस और कुछ नहीं. इसमें दो चीज ऐड हो जाती है. इस पी को हटा करके हम इसके कंपोनेंट करते हैं, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, और इस हिसाब से काम करते हैं. ओके, तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इट विल बी लाइक दिस. एक पी लग रही है, एक डब्ल्यू लग रहा है, एक एफ लग रही है, एक आर लग रहा है. ओके, देन यू कैन से पी इक्वल टू एफ एंड डब्ल्यू इक्वल टू आर. ओके, सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो. क्योंकि हम स्टैटिक्स की बात करते हैं तो बॉडी अभी मूव नहीं कर रही, बॉडी इज एट द पॉइंट ऑफ मूवमेंट. हम फ्रिक्शन में जब भी लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो बॉडी इज एट द पॉइंट ऑफ सब हम पढ़ चुके हैं. ये रिपीट था. ओके, ये सब हम पढ़ चुके हैं. अब इसका थोड़ा सा आगे चलते हैं. चीज यही है, घूम फिर के यही बातें होंगी जो अभी तक हमने करी. एफ इक्वल टू म्यू आर. ओके, हमेशा यही रहेगा. ओके, म्यू इक्वल टू 10 पाई अगर पाई है तो. ओके, फ्री बॉडी डायग्राम विल बी ऑलमोस्ट लाइक दिस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस. जैसे इस किस केस में फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा ये पी, ये डब्ल्यू, ये आर. ओके, और ये एफ. ओके, हर बार यही केस रहता है कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए. ओके, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हो तो उसके बाद सीधा वही सिग्मा एच इक्वल टू जीरो और सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, क्योंकि बॉडी जो है स्टैटिक है. हाँ जी सर, ये जो टेढ़ी जो फोर्स लग रही है सेकंड वाले में, तो उसमें जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम में ये शो किया है, तो वैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी शो करेंगे? नहीं नहीं, अगर इसको हटा दोगे आप. ओके, जब इसको हटा दोगे आप. ओके, ये एक ये फोर्स तो एक्चुअल में ये है. जब ये फोर्स अगर इसको रिमूव कर दोगे तो उसकी जगह ये दो फोर्स लग जाएंगी, पी कॉस थीटा और ये ऊपर एक ऊपर फोर्स लग जाएगी इसके पी साइन थीटा. ओके, जब हम निकालेंगे तो हम इसको ऐसे मान के चलेंगे इस फोर्स की जगह, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेनी है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल लेना है तो वर्टिकल कंपोनेंट. ओके, चलिए आगे चलते हैं. वी मूव अवे. चीजें यही है, अब थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होती जाएगी और उस हिसाब से चेंज होता रहेगा, लेकिन चीज हमेशा यही रहती है. ओके, अब हम एक इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं. ओके, एक प्लेन है. ओके, इंक्लाइंड प्लेन जिसे कहते हैं. ओके, बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन नथिंग बट एक स्लोप है. जैसे आप रैंप चढ़ते हैं तो एक बॉडी जो चलती है आपकी, या चढ़ा कोई भी बॉडी मूव, कार मूव करती है रैंप के ऊपर, इट इज लाइक दिस. ओके, थीटा एंगल है. ओके, इस रैंप का, इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी है
ओके उसका वेट है डब्ल्यू ओके अब मैं इस थीटा को बढ़ाता रहता हूँ ओके मैं इस थीटा को बढ़ा रहा हूँ ओके क्या होगा एक बारी अगर थीटा बढ़ता जाएगा तो क्या होगा तब ये ऑब्जेक्ट गिर जाएगा नीचे हाँ ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा ओके ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउन ओके जब एक कुछ थीटा की वैल्यू बढ़ाता गया थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री ओके एक पॉइंट आएगा जिसपे बॉडी स्टार्ट्स मूविंग ओके मतलब वो एक इमेजिनरी पॉइंट है वो पॉइंट पकड़ना बड़ा मुश्किल है एक पॉइंट इमेजिनरी एक पॉइंट आएगा जिसमें थीटा की वैल्यू होगी इस पे बॉडी स्टार्ट्स मूविंग ओके मतलब अगर मैं इस स्लोप को ऐसे कर देता हूँ धड़ाम से बॉडी गिर ही जाएगी ओके एक बार आस्ते से बढ़ाता हूँ एक पॉइंट आएगा जिस थीटा पे ओके जहां पर बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अभी चलना शुरू नहीं हुई मतलब एक लिमिटिंग है ओके दिस थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज दिस थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज नाम दे दिया उस थीटा का ओके ठीक है जी ओके चलिए समझ आ गया ये सर ओके दिस थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ स्लोप नहीं एंगल ऑफ रिपोज ओके मान लीजिए एक बॉडी पड़ी है ये थीटा है इस पे ओके ये बॉडी है ऐसे पड़ी है ओके इसका वेट डब्ल्यू है ओके तो इस पे अगर बात करें ओके इस बॉडी इस पे एक रिएक्शन फोर्स होगी ओके दैट रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमेशा ध्यान रखें वेट जो होता है वो वर्टिकल होता है ओके वेट जो होता है हमेशा वर्टिकल होता है जो एंगल ऑफ रिपोज रहेगा वो रहेगा जो सरफेस है ना इसका बॉडी का ओके उसके परपेंडिकुलर रहेगा ओके वो वर्टिकल नहीं रहेगा हमेशा ध्यान रखना इस बात का ये गलती हो जाती है बहुत बारी ओके दिस इज आर सर हाँ अगर बॉडी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा तब उस बॉडी का क्या होगा रिएक्शन तो रहेगा रहेगा बेटा नहीं तो धस जाएगी बॉडी मान लो अगर तुम एक पानी में खड़े हो ओके मान लो एक मिनट के लिए और आप गिर जाते हो पानी के अंदर डूब जाते हो क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्शन नहीं मिला ओके आपका जो वेट है इस रिएक्शन से ज्यादा है तो इसलिए आप डूब जाते हो ओके तो रिएक्शन नहीं मिलेगा तो बॉडी खड़ी नहीं हो सकती कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कहीं पे भी अगर बिल्डिंग खड़ी हुई है जितना भी वेट है बिल्डिंग का उसका रिएक्शन मिल रहा है वरना तो बिल्डिंग धस जाएगी कभी कई बार दलदल होती है या फिर स्वैम्प होता है उधर बिल्डिंग बना दो ओके तो बिल्डिंग जब उसकी रिएक्शन पावर खत्म हो जाती है तो वो धस जाती है सेम थिंग इज हियर रिएक्शन के बिना तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना किसी चीज की राइट तो देयर इज अ रिएक्शन ओके रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ओके कोई और बोले यार समझ आ रहा है कौन बोल रहा है अविनाश क्या नाम है आपका जी सर अविनाश ही हूँ अविनाश हो ना वो बाकी लोग भी बोले यार समझ आ रहा है बाकी लोग भी बीच में बोला करो यार कोई ऐसी बात नहीं है यस यस सर ओके कोई बीच में बोला करो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे आप एक तो इससे मुझे भी लगता है कि आप लोग जाग रहे हैं हस्तो यार इसलिए हम बोलते नहीं अच्छा चलो ठीक है ओके ये दिस इज आर ओके आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ओके एक ये डब्ल्यू हो गया एक आर हो गया ओके ये एफ जो एक एफ है जो इसको रोक रही है ओके ये एफ इस तरफ लगेगी इस तरफ क्यों लगेगी बॉडी की मूवमेंट है इस तरफ ओके बॉडी की मूवमेंट है इस तरफ जो एफ लगेगा वो इस तरफ लगेगा ओके ये अगर इसको यहां देखो दिस इज थीटा अरे इतना भी मत जाओ हटा लो यार इसे ओके दिस इज थीटा
ये हटेगा कैसे? ओके दिस इज आर, दिस इज थीटा, एफ जो ऐसे लगेगी। अब आगे चलते हैं, अरे क्या लाइने लाइने कर दिया तुमने। सर डिसेबल कर दीजिए। किसको डिसेबल कर दूं? ये एनोशिएशन को। अच्छा वो तीन डॉट है ना बगल में उस पे से। ओके तो ये ठीक, ये अभी जब हमने पढ़ा ये W is always वर्टिकल। ओके वर्टिकल मीन्स अगर ये वाई एक्सिस ले ले इधर और ये एक्स ले ले। ओके एज अ मेजरली एक्सिस W विल बी ऑलवेज लाइक दिस। ओके दिस इज W। ओके अब इसका जो रिएक्शन है, ये एक प्लेन बना लीजिए, इमेजिनरी प्लेन जो हमारा उसका है। ओके दिस एंगल, ये जो आर है इट विल बी लाइक दिस। ओके एंड जो एफ है दैट इज लाइक दिस। ओके ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा। ओके ये आपका ये हो गया, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ओके सर हाँ सर, ये आर तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता है ना। हाँ, आर तो एक्स के तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। किसका? आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, हमारा सरफेस ये है ना, आवर सरफेस इज दिस और आर इसके परपेंडिकुलर है। दिस एंगल इज थीटा। दिस एंगल इज थीटा, ये समझ आ गया आपको? यानी नहीं आया दोबारा बताऊं? ओके दिस इज W। ओके दिस इज W, दिस इज R क्योंकि स्लोपिंग में है, दिस इज R। ओके दिस इज F, अभी P का कोई रोल नहीं है। ओके इट इज जस्ट बॉडी इज पुटिंग ऑन द क्या कहना है, पुटिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ओके पी का कोरोल है, जस्ट स्लाइडिंग डाउन, थीटा की वैल्यू सकता है। दिस अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। दिस इज W, दिस इज R. ओके अब सिंपल वही थे, सिग्मा V इक्वल टू जीरो, F इक्वल टू म्यू इंटू आर, F इक्वल टू म्यू इंटू आर। म्यू हमें पता नहीं है, म्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके ओके म्यू इक्वल, F इक्वल टू म्यू इंटू आर, F हमेशा म्यू, F हमेशा म्यू इंटू आर होता है। आर रिएक्शन, म्यू कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स। सिग्मा वी इक्वल टू जीरो करेंगे, देन यू कैन से सिग्मा वी इक्वल टू जीरो। ओके देन सिग्मा वी इक्वल टू डब्ल्यू, अगर आर को ऊपर लेना, आर माइनस डब्ल्यू ओके प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा। R sin theta होगा, ये R cos theta होगा, R cos theta okay minus W। ये समझ नहीं आ रहा, ये है क्या चीज? ये दोबारा हो जाता है। एक inclined plane है, ओके उसपे एक बॉडी पड़ी है, ओके ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, उसका वेट W है। ओके इस पर जो एक इसका रिएक्शन जो है आ रहा है, ओके और यहाँ पर एक फ्रिक्शनल, ये बॉडी मूव नहीं कर रही, ओके क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स है F, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू आर।
ओके ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका ऐसा बन गया। ओके ठीक है, एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। अगर हम इसको रिजॉल्व करें, ओके जेंटली रिजॉल्व करें तो क्या होगा, ये एक एक ओरिजिनली मतलब ये एक्स डायरेक्शन में, तो ये थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। एफ डायरेक्शन में दो फोर्स लग रही हैं, ओके म्यू इंटू आर कॉस थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके आर साइन थीटा जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और उल्टी डायरेक्शन में, मतलब सिग्मा एच इक्वल टू जीरो। सिग्मा एच इक्वल टू जीरो का मतलब होता है राइट हैंड फोर्सेस इक्वल टू लेफ्ट हैंड फोर्सेस। ओके राइट हैंड फोर्सेस है म्यू आर कॉस थीटा, ओके और आर साइन थीटा राइट हैंड फोर्सेस है। ओके आर साइन थीटा क्योंकि आर ऐसे जा रहा है तो इसके इसका जो वो जो कंपोनेंट वो नहीं होगा म्यू आर साइन थीटा, ये तो म्यू आर कॉस थीटा होगा ना क्योंकि ये थीटा है। ओके इसके साथ थीटा ये कभी भी अगर आप कंपोनेंट निकालते हैं किसी फोर्स के, अगर ये कंपोनेंट पी है जो थीटा जहां पर लगा होता है, ओके वो कॉस थीटा होता है और दूसरी तरफ वाला साइन थीटा होता है। इस केस में जो तो वही तो मैं कह रहा हूँ म्यू भी तो लगेगा ना इसके साथ, ये साइन थीटा के साथ म्यू आर साइन थीटा नहीं, ये ये नहीं सर, ये तो कॉस थीटा के साथ लगा है। हाँ कॉस थीटा का है ना, तो ये आर है इसके साथ, ये तो रिएक्शन ही है आर साइन थीटा, इसके लिए थीटा ये मान है। ओके इसके कंपोनेंट ये दो ऐसे हैं, ओके आर को अगर अलग से देखें दिस इज आर, ये आर साइन थीटा, ओके दिस इज आर दिस इज थीटा, इस केस में थीटा ये है। ओके जब जो कंपोनेंट निकालेंगे तो उस हिसाब से थीटा देखेंगे कहां पर लगेगा। ओके इसका जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल आर साइन थीटा होगा और इसका कंपोनेंट होगा म्यू आर कॉस थीटा। ओके आर के लिए थीटा ये है, वैल्यू दोनों की थीटा की सेम है बट लेकिन आर के लिए थीटा जो है ये है तो इसलिए आर साइन थीटा होगा। म्यू आर के लिए थीटा ये है उसके लिए म्यू आर कॉस थीटा होगा। ओके यू कैन नॉट कंफ्यूज, यू डोंट कंफ्यूज, जिसके लिए जो थीटा है वो वैल्यू रहेगी। थीटा इसलिए दोनों सेम रखी क्योंकि थीटा इक्वल टू थीटा है। ओके दोनों की वैल्यू अगर इसकी 30 है तो इसकी भी 30 है लाइक दैट। ओके देन म्यू आर आर से आर कट गया, ओके देन म्यू म्यू इक्वल टू tan थीटा। ओके थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, और थीटा क्या एंगल ऑफ रिपोज, और म्यू क्या था tan पाई, tan पाई इक्वल टू tan थीटा, देन यू कैन से पाई इक्वल टू थीटा, यू कैन से एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ, सर ये हम तब से प्रूफ कर रहे थे, ये चीज प्रूफ कर तो नहीं रहे थे लेकिन प्रूफ हो गया। ओके रीजन क्या है, क्योंकि आपको जरा समझाने के लिए कि भाई दिस इज अगर कोई बॉडी होती है ना, अगर सीधा बात करें, ओके ये डब्ल्यू है, ओके दिस इज इंक्लाइंड प्लेन पे है बॉडी, ओके ये आर है, ओके दिस इज थीटा, ओके दिस इज थीटा। तो अब क्या कहते हैं कि ये जो बॉडी नीचे जा रही है, ओके तो नीचे जाएगी तो उस पर कौन सी फोर्स लग रही है, दिस इज डब्ल्यू, बताइए दिस इज आर, इस बॉडी में जो नीचे जा रही है, ओके नो डाउट कि स्लोप की वजह से जा रही है, पर लेकिन इसमें अगर मैं पूछूं आपसे तो इसमें कितनी फोर्स लग रही है जो ये नीचे जा रही है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी क्या? हाँ ग्रेविटी तो है ही है लेकिन एक फोर्स जो ग्रेविटी जैसे फोर्स पैदा दैट इज अगर ये देखिए, ओके ये जो आर की वजह से फोर्स लग रही है,
ओके आर आर साइन थीटा, यहाँ डब्ल्यू का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, ओके डब्ल्यू का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है। अगर ऐसे करें दिस इज आर कॉस थीटा, ओके आर कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू, ओके आर कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू, सिग्मा बी इक्वल टू जीरो है ना, ओके दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। सर ये नहीं समझाया। हाँ मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके कोई भी बॉडी है, ओके उसके ऊपर वेट W पड़ा है, ओके तो ये थीटा वैल्यू है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, एंगल ऑफ रिपोज है ये, मतलब इस वक्त बॉडी मूव करना शुरू कर रही है, ओके तो इस केस में F है, जब तक F जो है म्यू आर है, F इक्वल टू म्यू आर, ओके दिस इज R, ओके देन यू कैन से एक कंपोनेंट F का हॉरिजॉन्टल है, अगर हम इस इंक्लाइन प्लेन के कंपोनेंट देखें, ओके आई एम सीइंग दिस कंपोनेंट ऑफ, इस पे जो बॉडी है दिस इज R, दिस इज R, this is f, ये जो वैल्यू है, ओके दिस इज थीटा, दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा, दिस इज f इक्वल टू आर साइन थीटा, ओके f इधर है और r इधर है, ओके r सर f तो फ्रिक्शन है ना, हाँ फ्रिक्शन फोर्स है, जब तक r sin थीटा की वैल्यू जब इससे ज्यादा हो जाती है, ओके दिस थीटा इंक्रीजेस देन r sin थीटा इंक्रीजेस, तो f की f से वो ज्यादा बढ़ जाता है। अभी हम लिमिट में बात कर रहे हैं, लिमिट का मतलब ये है कि f और r sin थीटा बराबर है, ओके बॉडी इज इन द स्टैटिक कंडीशन, बॉडी इज इन द स्टैटिक कंडीशन, ओके चलिए आगे एक सवाल निकालते हैं, देन इट विल बी क्लियर टू यू, ओके एक सवाल निकालते हैं तब आपको अच्छा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मान लीजिए ओके एक बॉडी है, ओके एक बॉडी है 5000 न्यूटन की, ओके एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी है 5000 न्यूटन की, ओके एक बॉडी है 5000 न्यूटन की, ओके इसमें ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू 0.25, म्यू इक्वल टू 0.25। अब आपको बताना है कि बॉडी ये रेस्ट पे होगी या रेस्ट पे है या मूवमेंट पे है, ओके रेस्ट है या मूवमेंट है, ओके ये आपको बताना है, ओके ये आपका ये जो थीटा है दैट इज इक्वल टू उसने कहा 1 into, ओके अगर ये 1 है तो ये 2 है, ओके ये बताया 1 into, थीटा की वैल्यू 1 into है, ओके अब आपको बताना है बॉडी ये रेस्ट पे है या मूवमेंट पे है, मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो बताना है, मूवमेंट पे है तो बताना है, ये म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, ओके वैसे तो आप देख सकते हो, ओके टेन थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स हाफ, तो कितना हुआ
टेन इनवर्स हाफ की वैल्यू 14 डिग्री 14.04 डिग्री ओके जी सर ओके और म्यू है आपका 0.25 आपका 0.25 तो 10 म्यू तो ऑलवेज गिवन ही रहेगा ना हर क्वेश्चन में निकालना भी हो सकता है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर फ्रेम करने वाले तो अभी देखो 10 इक्वल टू 0.25 5 की वैल्यू कितनी हुई 5 की वैल्यू कितनी हुई 10 इनवर्स कर देंगे इसमें भी हां 10 इनवर्स कर देंगे कितना आ गया 5 की वैल्यू एक मिनट से That is also 14.04. Okay, ये इसने कैसे कर दिया 0.25 की वैल्यू वो सर ये गलत है ओके दिस इज रॉन्ग दिस इज ये टैन इनवर्स पूरा आएगा ना सर हाँ हाँ ओके टैन इनवर्स 0.5 ये 26 डिग्री 56 मिनट ओके 26 डिग्री 56 मिनट ओके थीटा की वैल्यू इतनी है 26 डिग्री 56 मिनट ओके थीटा की वैल्यू तो इतनी है दिस थीटा सर, 26 डिग्री सर हां सर ये मिनट सर ऐसे नहीं लिख सकते 26.56 डिग्री हां ये मैं गलत लिख रहा हूं सर ये 26. यू आर राइट 26.56 डिग्री ओके मिनट नहीं है ये मिनट के लिए 0.56 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये 26.56 डिग्री है ओके मिनट नहीं है ये ओके ओके ये 14.04 डिग्री है फाई की वैल्यू और थीटा की वैल्यू 26.656 डिग्री है ये थीटा किस पाई से बड़ा छोटा थीटा बड़ा है थीटा इसका मतलब मूवमेंट होगी इसका मतलब मूवमेंट होगी ओके पहली बात तो ये होगी मूवमेंट निकालने के लिए सिर्फ देख लिया मैं थीटा बड़ा है तो मूवमेंट होगी अब सेकंड बात है अगर इसको मैं रोकना चाहता हूं इसको मैं चाहता हूं कि मूवमेंट ना हो ओके तो मैं इस पे कितनी फोर्स लगाऊं फोर्स क्या लगाना है थीटा कम कर देंगे हम लोग नहीं वो थीटा कम नहीं कर सकते यार वो तो बात ठीक है प्रैक्टिकली बात कर रहा है ये क्वेश्चन फ्रेम किया है ना उसने वो कहता है ये फिक्स है ओके इस पे मैं कितनी फोर्स लगाऊं कि वो बॉडी मूव ना करे नीचे ओके ये फोर्स निकालनी है आपने ओके अब इस पे p cos थीटा लगेगा फोर्स हां जी जो भी लगे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ओके ऑलवेज प्रिपेयर फ्री डायग्राम तो साफ हो जाता है ये तो होगी 5000 की ओके ये होगी आपकी p ओके यहां पर हो गया आपका रिएक्शन r ओके यहां पर होगी आपकी f ओके यहाँ पर होगी आपकी F, ओके दिस F इक्वल टू ये R की वैल्यू कितनी है F इक्वल टू म्यू इनटू R, ओके अब ये P हो गई अब ये R हो गई R अगर देखें ओके दिस R व्हाट विल द वैल्यू ऑफ R F upon mu तो ठीक है ओके R की वैल्यू क्या होगी F upon mu ओके बात तो आपकी ठीक है पर अब F भी मुझे नहीं पता F पता है ना आप पता है ना R पता है ओके तो F upon mu का तो मतलब ही नहीं बनता ओके अब मैं क्या करूंगा ओके R की इक्वल टू ये अगर R देखे तो दिस इज थीटा ओके R इक्वल टू 5000 cos थीटा ओके cos 26.56 ठीक है जी समझ आया नहीं आया ओके इसका जो कंपोनेंट है W का इसके परपेंडिकुलर लिया तो दैट इज W cos थीटा ओके W cos थीटा इक्वल टू R
ओके मैंने इसके परपेंडिकुलर इस पे रिजॉल्व किया, फिर एफ निकाल लेंगे हम लोग। एफ तो तभी निकले, आर निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई देखो, ये थोड़ा गलत हो गया, ये इधर नहीं आएगा क्योंकि बॉडी नीचे मूव कर रही है, तो इट विल बी हियर, एफ बी सी डायरेक्शन में आएगा। ओके बट बॉडी स्लाइड्स डाउन, ओके तो ये जो एफ आएगा वो भी बॉडी उस डायरेक्शन में, बॉडी जो है नीचे जाएगा। सर इसका आर आएगा 4472.33। ओके दैट इज आर। ओके जो बॉडी को नीचे ले जा रही है फोर्स, ओके बॉडी को रोक कौन सी फोर्स रही है, एक तो पी रोक रहा है, एक एफ रोक रहा है। सर पी तो फोर्स खुद ही है ना, नहीं फोर्स तो खुद आपने लगाई है ना पी, तो पी है क्या चीज, पी इज अ पुल, जो आप उसका इस, ये इस पे आप रोक रहे हैं ना, इस पे पी लगा के इस, ताकि ये बॉडी मूव ना कर जाए। चलिए इसको जरा अभी लीव कर दीजिए, ओके टाइम हो गया, ओके तो देन 11:18 हो गया ना, तो इसको लीव कर दीजिए, दोबारा ज्वाइन कीजिए, ओके ओके सर।